गाइस यार आज हम लोग जीटी 5 में अपग्रेड होने वाले हैं एलिमेंटल लिटिल सिंगम में, जिससे मिलेगी हमें खतरनाक खतरनाक पावर और फोड़ेंगे काल राक्षस को। तो यार हमारा साथ देने के लिए कमेंट बॉक्स में एलिमेंटल लिटिल सिंगम जरूर लिखना। तो यार एडवेंचर को स्टार्ट करते हैं। अरे गाइस यार ये क्या, काल राक्षस ने हल्क के टेंपल पे कब्जा कर लिया है और इसके पास ये एलिमेंटल बॉम्ब्स कहाँ से आए? ये बॉम्ब्स तो टोनी स्टार्क ने डिस्ट्रॉय कर दिए थे। काल राक्षस को कोई नहीं रोक सकता। काल करेगा रास, काल को रोकेगा कौन? अरे गाइस यार इसके साथ साथ इसके पास कितनी बड़ी मिसाइल है भाई साहब। मैं इन सभी एलिमेंटल बॉम्ब्स की एनर्जी से इस मिसाइल को पावर दूंगा और ये मिसाइल लॉस सैंटोस के ऊपर गिर के फट जाएगी, जिससे पूरा लॉस सैंटोस ज़ॉम्बी लॉस सैंटोस बन जाएगा। सभी के सभी लोग ज़ॉम्बी बन जाएंगे और मेरे गुलाम होंगे। और मजे की बात तो ये है कि मुझे सिर्फ लिटिल सिंगम रोक सकता है और कोई नहीं। और लिटिल सिंगम को तो मैंने पहले ही इस मिसाइल के अंदर कैद कर लिया है। वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा जैसे ये मिसाइल फूटेगी। काल करेगा रास, काल को रोकेगा कौन? अरे भाई काल राक्षस, ये तुम क्या कर रहे हो यार, ऐसा मत करो। और वो भी हल्क के टेंपल पे, हल्क ने तुम्हें रोका नहीं। काल को कोई नहीं रोक सकता सिवाय लिटिल सिंगम के। हल्क भी अपनी जान बचा के भाग गया। तुम भी भाग जाओ यहाँ से मिस्टिफाई। अरे भाई काल राक्षस ये गलत बात है, तुम्हारे पास ये सारे बॉम्ब आए कहाँ से? टोनी स्टार्क ने ये डिस्ट्रॉय कर दिए थे। मुझे ये तो पता था तुम्हारे पास काली जादू शक्तियाँ हैं, पर ये नहीं पता था तुम उन शक्तियों से किसी भी डिस्ट्रॉय करी हुई चीज को वापस ला सकते हो। भाई तुम तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डरावने निकले। तुमने अभी मेरी शक्तियाँ देखी कहाँ है? मैं काल राक्षस हूँ, सबसे ज्यादा शक्तिशाली। अरे गाइस यार अब मैं क्या करूँगा, इसने तो लिटिल सिंगम को भी इस मिसाइल के अंदर कैद करके रख लिया है। क्या करूँ यार, कैसे रोकूं इसको? बिस्टिफाई इधर आओ। एक मिनट गाइस, वो देखो वहाँ पे कुछ हरा है, मैं एक बार जाके देखता हूँ। काल राक्षस को बिल्कुल पता ना लगे यार, पीछे से जाएंगे हम लोग। अरे यार यहाँ पे कौन है? बिस्टिफाई इधर, मैं हूँ हल्क। अरे भाई हल्क, ये देखो तुम्हारे टेम्पल पे भाई कब्जा कर लिया है। हल्क को सब पता है बिस्टिफाई, मैं अपनी जान बचा के बहुत मुश्किल से भाग के यहाँ पे आया हूँ। तुम्हें हमारे लॉस सैंटोस को ज़ॉम्बी लॉस सैंटोस बनने से रोकना होगा और लिटिल सिंगम को भी बचाना होगा। सुनो, ऐसा करने का केवल हमारे पास एक ही तरीका है, तुम्हें सभी एलिमेंटल के लिटिल सिंगम में अपग्रेड होना पड़ेगा और हर एलिमेंटल लिटिल सिंगम में अपग्रेड होने के बाद तुम उस एलिमेंटल के बॉम्ब को डिफ्यूज कर पाओगे। तुम्हें ये सब काम जल्दी करना होगा। सारे एलिमेंटल बॉम्ब्स को डिफ्यूज करो और उस मिसाइल को लॉन्च होने से रोको। अरे भाई यार तुम क्या बात कर रहे हो, मैं भाई लिटिल सिंगम के एलिमेंटल्स को कैसे ढूंढूंगा यार, हमारे पास तो लिटिल सिंगम भी नहीं है, उसको भाई इस मिसाइल में कैद कर दिया है यार। अब मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिस्टिफाई तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, अवेंजर्स भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ठीक है भाई हल्क, मैं यहाँ से जल्दी से जाता हूँ। गाइस यार हमें एलिमेंटल लिटिल सिंगम्स को ढूंढना होगा यार, हमें उनमें अपग्रेड होना पड़ेगा। अगर आप लोग मेरे साथ हो यार तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में फायर है मुझे टाइप कर दो और ये हम लोग चले। अरे भाई मेरा तो सर ही फूट गया, ये तो काम शुरू होने से पहले नुकसान हो गया। मेरे सर में बहुत तेज चोट लग गई, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। कहाँ पे मिलेगा मुझे एलिमेंटल लिटिल सिंगम? अरे लड़के यहाँ से हट जा, मेरा दिमाग खराब है, हट यहाँ से। अरे बिस्टिफाई भैया आप क्या करने वाले हैं? अरे भाई सिंचन तू बड़े दिनों बाद आया यार, कहाँ चले गया था? मैंने नेको दीदी के साथ हॉलीडे मनाने गया था। अरे भाई सिंचन यार हमने तेरे को कितना याद करा। गाइस आप लोगों ने सिंचन को याद करा ना यार, अगर आप लोगों ने सिंचन को याद करा है और आप लोग सिंचन को पसंद करते हो तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, सिंचन को पता लग जाए कि कौन कौन उससे भाई प्यार करता है। भाई मेरा तो सर ही फूट जा रहा है बार बार। अरे बिस्टिफाई भैया आप कब से नूब बन गए, जल्दी आते चलो, हमें एलिमेंटल लिटिल सिंगम में अपग्रेड होना है। हाँ भाई सिंचन यार जल्दी यहाँ से चलते हैं। अरे भाई सब ये मैं कहाँ पे गिर रहा हूँ? अरे सिंचन ये क्या करा तूने? अब आएगा मजे। अरे भाई कैसा मजा, मेरा तो सर ही फूट गया, इसी मजे की तुम्हें बात कर रहा था। अरे भाई सिंचन यार तेरे पास कहाँ से ये पावर्स आई यार, तू तो भाई जादूगर बन चुका है एक। ये तो आपने सही बोला। भाई मेरे को नहीं पता था कि नन्हे को दीदी तेरे को जादू सिखा देंगी और उन्हें भी जादू आता है, मैं तो सही में शौक हो गया हूँ। उन्हें बहुत ज्यादा जादू आता है।
है, इसलिए उन्होंने मेरे को सिखाया जादू। भाई सिंचन यार, जादू वादू तो छोड़, वहाँ पे देख रहा है सामने क्या है। यही तो है मेरे जादू का कमाल, मैं आपको डायरेक्ट अर्थ एलिमेंटल लिटिल सिंगम के पास ही ले आया, आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई सिंचन यार, ये जादू तो काफी कमाल का है गाइस, ऐसे तो हमारा बहुत सारा टाइम बच जाएगा और हम जल्दी जल्दी सभी एलिमेंटल बॉम्ब्स को डिफ्यूज कर देंगे। और भाई साहब, काल राक्षस की तो बैंड बज जाएगी। गाइस यार, वहाँ से बहुत सारी लाइट निकल रही है, एक बार मैं अपने ड्रोन शॉट से देखता हूँ आखिर वहाँ पे है क्या। गाइस सिंचन हमारा पोपट ना बना रहा हो यार, जल्दी से जाते हैं यार। अरे गाइस, ये कौन है? अरे भाई साहब, ये तो कितना ज्यादा मस्कुलर लिटिल सिंगम है, वो भी अर्थ एलिमेंटल का। भाई कमाल का लग रहा है यार। गाइस आप लोग देखो जरा, कितना ओपी लग रहा है, ओवर पावर्ड लिटिल सिंगम। बहुत बढ़िया गाइस यार, यहाँ से चलते हैं यार। अरे अर्थ एलिमेंटल का लिटिल सिंगम, लिटिल सिंगम मेरी मदद करो, काल राक्षस ने लिटिल सिंगम को एक मिसाइल पे बंद कर दिया है और वो सभी एलिमेंटल बॉम्ब्स की मदद से उस मिसाइल को एक्टिवेट करके लॉस सेंटोस को ज़ॉम्बी लॉस सेंटोस बनाना चाहता है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मुझे तुम में अपग्रेड होना है। कैसे मैं अपग्रेड हूँ जल्दी बताओ मेरे को, टाइम बहुत कम है। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, पुलिस की वर्दी शेर कदम। नाम है मेरा अर्थ लिटिल सिंगम, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे हाँ, अर्थ एलिमेंटल का लिटिल सिंगम, मेरे को जल्दी बताओ मैं कैसे तुम्हें अपग्रेड हूँ। पुलिस की वर्दी शेर कदम, नाम है मेरा अर्थ लिटिल सिंगम। बीस्टी बॉय, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम मुझे में कैसे अपग्रेड हो सकते हो। तुम्हें तो पता ही है इस जंगल में हर साल काफी लोग गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो आते तो साथ में पर फिर अलग हो जाते हैं, खो जाते हैं वो। तुम्हें ऐसे लोगों की मदद करनी होगी, तभी तो तुम कहलाओगे सबसे अच्छे पुलिस में। अरे पर मेरे को पुलिस मैन नहीं बनना है, मेरे को अर्थ एलिमेंटल का लिटिल सिंगम बनना है। पुलिस की वर्दी शेर कदम, नाम है मेरा अर्थ लिटिल सिंगम। अरे भाई कहाँ चले गया, कहाँ चले गया? अबे यार ये कैसा सा है यार, मेरे को भाई अर्थ एलिमेंटल का लिटिल सिंगम बनना है और ये मेरे को पुलिस ऑफिसर बनने का रास्ता बता के चले गया यार। अरे बिस्टी भैया, क्या आप पागल हो गया? लिटिल सिंगम भी तो पुलिस मैन ही है, वो इनडायरेक्टली आपको ये बता के चले गया आप उसमें कैसे अपग्रेड हो सकते हो। आपको जंगल में फंसे हुए लोगों की मदद करनी होगी जो अपना रास्ता भटक गए हैं। भाई सिंचन यार, पर ऐसे लोग मेरे को मिलेंगे कहाँ पे? कोई मेरी मदद कर दो, मैं बच गया हूँ यहाँ पे। अरे कोई मेरी भी मदद करो, मुझे शेर ने घेर लिया है, बचाओ मेरे को। अरे भाई सिंचन यार, तूने एक आवाज सुनी यार, यहाँ पे किसी की आवाज आ रही है, किसी लड़की की आवाज आ रही है। अरे ये आवाज तो मेरे को जानी पहचानी लग रही है। अरे हाँ भाई सिंचन यार, तेरे को हमेशा लड़की दिखती है भाई, एक छोटे बच्चे की भी तो आवाज आई थी, वो बत भी है। जल्दी चलते हैं ऊपर, देखते हैं क्या है यहाँ पे। अरे हाँ भाई सिंचन यार, चल रहे चल रहे यार, यहाँ पे तो मेरे को कहीं पे भी कोई नहीं दिख रहा यार। अरे वहाँ पे देखो, वहाँ पे कौन है? अरे भाई साहब यार, वहाँ पे तो एक लड़की है और उसको भाई शेर ने घेरा हुआ है, और वहाँ पे एक छोटा बच्चा है जिसको शेर ने घेरा हुआ है। भाई सर, ये तो काफी खतरनाक बात हो गई। अरे वो तो नैना को दीदी है। अरे कोई बचाओ। एक मिनट भाई सिंचन यार, तू तो बता रहा था नैना को दीदी को भाई जादू आता है, वो तो भाई बचा सकती है उस बच्चे को और अपने आप को, पर उन्होंने सारा जादू मेरे को दे दिया क्योंकि उन्हें लगा उनके पास ये जादू रह के कोई काम नहीं करेगा, मैं उसका अच्छे से इस्तेमाल कर पाऊंगा। अरे भाई सिंचन यार, तो काफी खतरनाक बात हो गई, हमें शेर को यहाँ से हटाना होगा। क्या करे क्या करे, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गाइस हम लोगों को इन शेरों को धकेलना होगा यार, और आप लोगों को तो पता है हमें चीजों को कैसे धकेलते हैं। गाइस आप लोग अपना फेवरेट इमोजी कमेंट बॉक्स में टाइप करो और वीडियो को भी लाइक कर देना, जिससे भाई हमारे पास एक बहुत बढ़िया गन आ जाएगी इन सारे शेरों को धकेलने के लिए। जल्दी अरे गाइस जल्दी करो, क्या आप चाहते हैं नैना को दीदी को शेर खा जाए? जल्दी करो जल्दी करो। अरे भाई सिंचन, ये देख मेरे पास आ गई फाइनली वो गन। गाइस लगता है आप लोगों ने अपना फेवरेट इमोजी कमेंट कर दिया और वीडियो को भी लाइक कर दिया, जल्दी से हम इन शेरों को धकेलते हैं जा यहाँ से। अरे भाई साहब, शेर तो बेहोश हो गया लगता है। अरे ये क्या हो रहा है? अरे नैना को दीदी को क्या हो गया? भाई सिंचन यार, लगता है नैना को दीदी सेफ है, अब मुझे इस शेर को हटाना है यहाँ से, जल्दी से हट जाए यहाँ से। ओ भाई लेट्स गो लेट्स गो यार, हमने इन शेर की बैंड तो बजा दी है। अरे बिस्टी भैया, शेर क्या होता है, लायंस बोलो ना। हाँ भाई सिंचन यार, वो मैंने हिंदी और इंग्लिश मिक्स कर दी, एक बार फिर से ये ले। अरे भाई ये तो स्पाइडरमैन का बच्चा है, अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अच्छा अच्छा ठीक है, आप अपने पापा के पास चले जाना। अरे नैना को तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम ऐसे कैसे फंस गई? अरे बिस्टी भाई, तुमने मुझे बचा लिया, तुम मेरे हीरो हो। अरे बिस्टी भाई भैया, मैंने दिया था आइडिया। ये तो आप चीटिंग कर रहे हो, मैं हूँ सबसे अच्छा हीरो, नैना को दीदी। अरे सिंचन, तुम भी यहाँ पे हो, तुम्हारा
थैंक यू, तुमने मुझे बचा लिया। अम्मे तभी कुछ खास नहीं। चलो ठीक है नन्हे को, यहाँ से चले जाओ, ये जंगल सेफ नहीं है। गाइजर हमने जंगल में फंसे हुए और भटके हुए लोगों की मदद तो कर दी है, पर यार अभी तक मैं अपग्रेड नहीं हुआ हूँ। बिस्ट को भैया लगता है आपको वही डायलॉग बोलना पड़ेगा लिटिल सिंघम वाला। अच्छा ठीक है सिंचन यार, चलो बोल के देखते हैं। पुलिस की वर्दी शेर का दम, नाम है मेरा अर्थ लिटिल सिंघम। और भाई सिंचन ये देख, हम तो अर्थ लिटिल सिंघम बन गए, अर्थ एलिमेंटल। के कमाल की बात है यार, इसकी पावर्स भी टेस्ट करके देखते हैं। अरे गाइस मेरे को बहुत सारी पावर महसूस हो रही है। एक सेकंड यार, अर्थ एलिमेंटल को कंट्रोल करके देखते हैं। ये भाई सब मैंने तो चट्टान निकाल ली भाई पहाड़ के अंदर से एक बार और यार। ये लेट्स गो, और ये हमने जंप मारी काफी खतरनाक वाली। आप पूरे अर्थ एलिमेंटल को कंट्रोल कर सकते हो। हाँ भाई सिंचन यार, अब जल्दी से चलो, आपको अर्थ एलिमेंटल का बम डिफ्यूज करना है, कहीं काल राक्षस उसको एक्टिवेट ना कर दे। हाँ भाई सिंचन यार, जल्दी चलते हैं यहाँ से। ये अरे गाइस यार ये देखो, हम लोग आ गए भाई टेंपल के ऊपर। देख भाई काल राक्षस मैं कितना ज्यादा ताकतवर अर्थ एलिमेंटल का लिटिल सिंघम बन चुका हूँ। अब तेरा क्या होगा। मिस्टिफाई, तुमने क्या मेरे को पागल समझा हुआ है? तुम सोचते हो तुम एक एलिमेंटल का लिटिल सिंघम बन के मेरे सारे प्लान को खराब कर सकते हो? ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा बेटा, वो तो अभी तेरे को पता चलेगा भाई, थोड़ी देर में तू रुक जा भाई। गाइस मैं जल्दी से इस अर्थ एलिमेंटल के बॉम्ब को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता, जल्दी से एब्जॉर्ब। ये ऑलराइट गाइस, हमने चार बॉम्ब में से एक बॉम्ब को तो डिफ्यूज कर दिया, यानी कि उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है अर्थ एलिमेंटल में। अब हमें वाटर एलिमेंटल, फायर एलिमेंटल और एयर एलिमेंटल के लिटिल सिंघम में अपग्रेड होना पड़ेगा, उसी के बाद हम लोग काल राक्षस को रोक पाएंगे। यार जल्दी से यहाँ से चलते यार, बिना देरी करे। ये लेट्स गो। भैया मुझे पूरा विश्वास है आप कर लोगे। हाँ भाई सिंचन यार। अरे भाई सिंचन यार, ये तूने मेरे को कहाँ पे गिरा दिया यार? अब आप पानी में गिर रहे हो, आपको वाटर एलिमेंटल को ढूंढना होगा। अरे भाई सिंचन यार, मैं तो भाई सिटी के अंदर गिर रहा था, ये मैं कहाँ पे टेलीपोर्ट हो गया, ये सब तू ही कर रहा है ना। आप कैसे पता? तेरी तो मैं अभी खटिया खड़ी करूंगा भाई। पर मैं तो बेड पे सोता हूँ, आप मेरी खटिया खड़ी करके करोगे क्या? अरे भाई सिंचन यार, समझता नहीं है। अमित तभी कुछ खास नहीं। गाइजर सिंचन को छोड़ो, आप लोग तो मेरे को समझते हो ना, मैं कितनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग यार इस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब भी कर लेना यार। हम लोग चलते हैं वाटर एलिमेंटल का लिटिल सिंघम को ढूंढने के लिए। गाइजर ये देखो, समुद्र में मेरे को क्या मिला, एक मिलिट्री का ट्रक। और भाई साहब सामने देखो, वैसे ही ग्लो हो रहा है जैसा अर्थ एलिमेंटल में हुआ था। एक बार यार वहाँ पे अपने ड्रोन शॉट से देखते हैं, क्या पता हमारा वाटर एलिमेंटल का लिटिल सिंघम वहीं पे छुपा हो। ये गया हमारा अंडर वाटर ड्रोन भाई। यहाँ पे तो मिलिट्री का टैंक है यार, और टैंक के ऊपर ये क्या तैर रहा है? गाइजर ये तो वाटर एलिमेंटल का लिटिल सिंघम है, और भाई साहब इसको कितने सारे बैजेस मिले हुए है, कितना ज्यादा ताकतवर लग रहा है भाई ये, तो सोच भी नहीं सकता वाटर एलिमेंटल का लिटिल सिंघम में ऐसा दिखता है। जितना हरकुलस और ताकतवर अर्थ एलिमेंटल था, उतना ही ज्यादा स्लिम और फ्लेक्सिबल वाटर एलिमेंटल का लिटिल सिंघम है। जल्दी से इससे बात करके देखते हैं हम कैसे इसमें अपग्रेड हो सकते हैं। वाटर एलिमेंटल का लिटिल सिंघम, मेरी मदद करो, मुझे तुम में अपग्रेड होना है। अरे तुम कौन हो? अर्थ एलिमेंटल का लिटिल सिंघम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अर्थ एलिमेंटल में होना चाहिए, वाटर में क्या कर रहे हो तुम? अरे मैं बीस्टिफाई हूँ, मैं अर्थ एलिमेंटल का लिटिल सिंघम में अपग्रेड हुआ हूँ, क्योंकि काल राक्षस ने ओरिजिनल लिटिल सिंघम को एक मिसाइल में बंद करा है, और वो उस मिसाइल से पूरे लॉस सैंटोस को ज़ॉम्बी लॉस सैंटोस बनाना चाहता है। मुझे तुम में अपग्रेड होना है उसे रोकने के लिए। जल्दी बताओ मैं कैसे तुम में अपग्रेड हो सकता हूँ यार? ऐसी बात है तो तुम्हें वाटर एलिमेंटल के ड्रिंक को पीना होगा, यानी कि ड्रिंक करना होगा, उसी के बाद तुम वाटर एलिमेंटल के लिटिल सिंघम में अपग्रेड हो पाओगे मेरी तरह। और वो ड्रिंक एक रैंप चैलेंज के एंड में रखी हुई है, तुम्हें वो रैंप चैलेंज कम्प्लीट करना होगा, तभी वो तुम्हें वाटर एलिमेंटल की ड्रिंक मिलेगी। अरे क्या, अबे भाई जगह तो बता के जाता, कहाँ पे वो रैंप चैलेंज यार? वाटर एलिमेंटल के ड्रिंक को मुझे पीना होगा। अबे यार कहाँ पे जाके उसको ड्रिंक करूँ यार, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल यहाँ से बाहर निकलते हैं यार। अरे भाई सिंचन यार, ये मैं कहाँ पे गिर रहा हूँ, ये कहाँ ले आया तू मेरे को? अरे बिस्टी भैया, आपको मैं डायरेक्ट उस रैंप चैलेंज के पास ले आया हूँ। अरे भाई सिंचन यार, ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है, पर ये कैसा रैंप चैलेंज है? वे यार इधर आ बिस्टी भाई। अरे भाई आयरन मैन, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वे यार मैं यही सोच रहा था कि तुम यहाँ तक पहुँचोगे कैसे, पर तुम तो पता नहीं कहाँ से आ गए। वाटर एलिमेंटल के लिटिल सिंघम ने ये रैंप चैलेंज रखा हुआ है यार। अरे हाँ भाई वो तो मेरे को पता है, यहाँ पे तो भाई सिंचन मेरे को ले आया है, पर तू छोड़ ये मेरे को बता के ये रैंप चैलेंज मेरे को कैसे करना है, और मुझे कैसे मिलेगी वो वाटर एलिमेंटल की ड्रिंक। ये सब बताता हूँ मैं तुम्हें। तुम्हें सबसे पहले इन दोनों स्लाइड में से किसी एक स्लाइड पे स्लाइड करना है, वो भी एक बाइसिकल की मदद से। अगर तुमने सही स्लाइड चूज करी तो तुम आगे जाओगे और फिर स्लाइड करोगे और फिर इस रिंग के अंदर गिरोगे यार। और इस रिंग में गिरने के बाद फिर तुम्हें फिर से स्लाइड करनी होगी। सही स्लाइड चूज करी तो तुम आगे बढ़ोगे, वरना आउट हो जाओगे यार। फिर तुम गोल गोल घूम के इस रिंग के अंदर गिरोगे, फिर रिंग को जैसे तैसे करके तुम्हें क्रॉस करना है, फिर तुम्हें फिर से स्लाइड करनी है, और गोल गोल घूम के तुम आगे
गिरोगी यार यहाँ पे, जिसके बाद तुम इनमें से कोई भी कार ले सकते हो या अपनी बाइसिकल से ही आगे बढ़ सकते हो। आगे तुम्हें बढ़ते जाना है और स्लाइड करते जाना है, और एकदम एंड में तुम्हें एक फाइनल स्लाइड मिलेगी जिसके ऊपर से स्लाइड करने के बाद तुम इस पूल के अंदर गिरोगे यार, जहाँ पे तुम्हें मिलेगी वाटर एलिमेंटल की ड्रिंक जिसे तुम्हें ड्रिंक करना है। तो चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। अरे भाई ये तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट रैम चैलेंज लग रहा है, पर कोई बात नहीं, मुझे इसको कम्प्लीट तो करना पड़ेगा। अपनी बाइसिकल मंगाता हूँ मैं। ऑलराइट, ये रही मेरी बाइसिकल जो कि यार पूरी व्हाइट कलर की है। और अभी यहाँ से चलते हैं इस स्लाइड के ऊपर, ये हम लोग चले। और भाई क्या ही खतरनाक तरीके से स्लाइड कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, लेट्स गो। गाइस यार ये तो काफी मजेदार बात है। अरे मैं कहाँ गिर रहा हूँ, मुझे जल्दी से स्लाइड के ऊपर लैंड करना पड़ेगा। कहाँ गिर रहा हूँ, बच गए, गोल गोल घूमना पड़ेगा। गाइस ये स्लाइड तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, बहुत बढ़िया यार। गाइस यार वैसे आप लोग मेरे को बताओ, आप लोगों ने कभी स्लाइड करा है? ओए बच्चा कहाँ गिर रहा हूँ मैं। ओ भाई बच गए यार, मैं तो भाई उस रिंग के अंदर गया ही नहीं, बाहर ही बाहर से स्लाइड के ऊपर आ गया। काफी ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है यार ये मेरे को रैंप चैलेंज, पता नहीं यार कैसा सा रैंप चैलेंज दे दिया भाई। अरे स्लाइड तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, कहाँ जा रहा हूँ, बचाओ, गोल गोल घूमना पड़ेगा, गोल गोल घूमो, गोल गोल घूमो। मिस्टी भाई भैया मेरे को तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है आपको ऐसे देख के। अरे भाई सिंचरी क्या हो रहा है, मैं तो फंस गया, बचाओ, ये क्या हो रहा है। ओ भाई क्या गुलाटी मारी है मैंने, बच गए, हमें नीचे जाना है। अरे ये तो मेरे को नीचे नहीं जाने दे रहा, बचाओ। ओ अरे भाई बच गए, थोड़ा सा और, बहुत बढ़िया, ऐसे हमें नीचे जाना है, बच जाओ, बहुत बढ़िया। कहाँ गिर रहे हैं, अरे भाई ये तो पंखे ने हमें दूरी फेंक दिया, बचना पड़ेगा यार हम लोगों को, बस पहुंचने वाले एक बार और, और ये पहुंच गए। ऐसे हमें जल्दी करनी होगी, वो बॉम कभी फट सकते है, और ये गुलाटी मारते हम आगे जाएंगे। एक स्लाइड से टकरा के मैं कौन सी स्लाइड पे आ गया, दूसरी स्लाइड पे, जल्दी यहाँ से जाना पड़ेगा। और भाई ये क्या हुआ, मैं तो दीवार के आर पार निकल गया। ऐसे हम लोग बस एंड में पहुंचने वाले यार, अब हमें ये बड़ी सी ढलान को पार करना है यार। यार बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है मेरे को ऊपर जाने में। आप ऊपर चढ़ जाओगे? हाँ भाई सिंचन यार, हमें जल्दी करनी होगी, वाटर एलिमेंटल का लिटिल सिंगम में अपग्रेड होना है, तभी हम वो बॉम्ब को डिफ्यूज कर पाएंगे वाटर एलिमेंटल वाले को। अब हमें यहाँ से किसी एक स्लाइड के ऊपर जाना है, इसी वाली के ऊपर चलते हैं यार। बहुत बढ़िया। और ये हम लोग जा रहे हैं काफी स्पीड से, जल्दी से यहाँ से कूद जाता हूँ मैं। बचाओ, हम लोग पूल के अंदर गिर रहे हैं। ओ भाई बच गए, ये रही हमारी ड्रिंक, जल्दी से इसे ड्रिंक कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, इसके ऊपर चढ़ते हैं। और ये, अरे भाई साहब ये क्या हो रहा है यार। गाइस हम लोग तो वाटर एलिमेंटल के लिटिल सिंगम बन गए हैं, कमाल की बात है। और हम लोग हवा में कैसे उड़ पा रहे हैं यार, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मिस्टर भैया अपनी पावर को इस्तेमाल करो। हाँ भाई सिंचन यार, देखते हमारे पास क्या पावर है। अरे ये तो वाटर कैनन है यार। ओ भाई क्या ही खतरनाक वाटर कैनन मारी हमने, वाटर एलिमेंटल की पावर सही में लाजवाब होती है यार। हम लोगों को देरी नहीं करनी चाहिए यार, जल्दी से यहाँ से चलते। ओ भाई पानी निकल रहा है मेरे चारों तरफ से, जल्दी यहाँ से चलते हैं। ऑलराइट गाइस यार, हम लोग आ गए भाई टेंपल के पास, जल्दी से ऊपर चलते हैं। काल राक्षस ये देख, मैं वाटर एलिमेंटल का लिटिल सिंगम बन गया। ये क्या, तुम अपग्रेड हो रहे हो या डाउनग्रेड? तुम कितने ज्यादा कमजोर लग रहे हो लिटिल सिंगम, मेरा मतलब बीस्टी फाय। अरे भाई काल राक्षस तो कुछ भी सोच, अब मैं जल्दी से तेरे प्लान को खराब करने के लिए वाटर एलिमेंटल के बॉम्ब को डिफ्यूज कर लूंगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब करो यार। ऑलराइट गाइस, हम लोग बस एंड में पहुंचने वाले हैं यार। अब बस हमें दो एलिमेंटल और ढूंढने और उनमें अपग्रेड होना है, फायर एलिमेंटल और एयर एलिमेंटल। फिर भाई काल राक्षस तेरे तो बैंड बजा दूंगा मैं, यहाँ से जल्दी चलते हैं। ये बहुत बढ़िया। अरे भाई सिंचन यार, ये तूने मेरे कहाँ पे गिरा दिया, ये कैसी जगह? अरे भैया तो लावा है। भाई मेरा तो शरीर जल गया यार। एक मिनट, मेरे को ज्यादा जलन नहीं हो रही है बिस्टी भैया, क्योंकि आप वाटर एलिमेंटल का लिटिल सिंगम होना है इसलिए। हाँ भाई सिंचन यार वो बात तो ठीक है, पर ये तो मेरे को कौन सी जगह पे ले आया, या तो पूरा लावा ही लावा यार। सामने देखो आपको वैसे ही पता लग जाएगा। भाई यार यहाँ पे तो आग लगी हुई है, और वो कौन है यार, मेरे तो भाई रोंटे खड़े हो गए। एक बार भाई इसको ड्रोन शॉट से देखते हैं, ये लगता है मेरे को हमारा फायर एलिमेंटल का लिटिल सिंगम है यार। देखो जल्दी देखो। हाँ भाई सिंचन यार, ये हमारा ड्रोन गया। ओ भाई साहब, गाइस आप लोग देख सकते हो इसके पंख कितने ज्यादा चमक रहे हैं, ये पूरा लावा का बना हुआ यार, पूरा का पूरा फायर, क्या ही खतरनाक लग रहा है। जल्दी से इसके पास चलते हैं यार, पूछते हैं इससे कैसे हम इसमें अपग्रेड हो सकते हैं। तो देर किस बात की, जल्दी चलो, मैं आपको डायरेक्ट इसके पास ही ले आया। हाँ भाई सिंचन, ये तो तूने बहुत बढ़िया करा, अब जल्दी से चलते यार। फायर एलिमेंटल का लिटिल सिंगम, मेरे को जल्दी बताओ मैं तुम्हें कैसे अपग्रेड हो सकता हूँ। अरे तुम कौन हो, तुम तो वाटर एलिमेंटल का
लिटिल सिंगम हो, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हाँ यार, मैं वाटर एलिमेंटल का लिटिल सिंगम हूँ, पर मैं उसमें अपग्रेड हुआ हूँ। मैं असल में बीस्टिफाई हूँ। काल राक्षस ने बहुत खतरनाक प्लान बनाया है। उसने लिटिल सिंगम को एक मिसाइल में बंद कर दिया है और वो मिसाइल को फोड़ने वाला है, जिससे पूरा लॉस सेंटोस ज़ॉम्बी लॉस सेंटोस बन जाएगा। और उसे रोकने के लिए मुझे हर एक एलिमेंटल में अपग्रेड होना पड़ेगा लिटिल सिंगम के। इसलिए अब मैं तुम्हारे पास आया हूँ। जल्दी मेरे को बताओ, मैं तुम्हें कैसे अपग्रेड हो सकता हूँ? अच्छा, ऐसी बात है, तो ठीक है, तुम मेरी मदद करो। तुम्हारा कोई तो दोस्त मेरे लावा आइलैंड पे आके खुराफात कर रहा था और वो सबसे बड़े वोल्केनो के ऊपर फंस गया है। उसको जल्दी बचा लो, वरना वो लावा से पिघल जाएगा। अरे क्या, ऐसा कौन सा दोस्त है मेरा? अरे हेलो, अरे क्या भाग गया? कोई तो गायब हो गया। और मेरा ऐसा कौन सा दोस्त है? कौन छुपा है वहाँ पे? वेनम को बचाओ, कोई वेनम की मदद करो, वेनम जल जाएगा। अरे भाई साहब, ये कैसी आवाज आ रही है वहाँ से? बिस्टी भैया, ये तो वेनम की आवाज है। हाँ, वेनम वहाँ पे फंसा हुआ है। जल्दी मुझे अपनी पावर एक्टिवेट करनी होगी। जल्दी चलते यहाँ से। वेनम मैं आ रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हें बचा लूंगा मैं। या मैं आया। ऑलराइट गाइस, यार वेनम को हमें बचाना होगा, पर कैसे यार? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गाइस, वाटर कैनन एक्टिवेट नहीं हो रही मेरी। अरे क्या हो रहा है? मुझे वाटर कैनन एक्टिवेट करनी होगी। गाइस, वाटर कैनन एक्टिवेट करने के लिए आप लोग यार जल्दी से कमेंट बॉक्स में वाटर लिखो और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मेरी वाटर कैनन एक्टिवेट हो जाएगी। जल्दी करो यार, इससे पहले कि वेनम पूरी तरह जल जाए। ऑलराइट, ये वाटर कैनन एक्टिवेट। या गाइस, आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने वाटर कैनन से पूरी आग बुझा दी। वेनम यार, मैंने तुम्हें बचा ली है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तुमने वेनम की बहुत मदद करी बीस्टिफाई, तुम बहुत अच्छे हो। वेनम यहाँ पे कार्नेज का पता लगाने आया था, कार्नेज तो नहीं मिला, ये लावा निकल गया वहाँ से। अरे गाइस यार, वेनम तो यहाँ से जा चुका है, पर अब मैं कैसे ढूंढूंगा फायर एलिमेंटल के लिटिल सिंगम को? अरे बीस्टिफाई भैया, लगता है आपको फिर से समझाना पड़ेगा। फायर एलिमेंटल लिटिल सिंगम ने आपको उसमें अपग्रेड होने का ही रास्ता बताया था। जैसा उसने बताया था वैसा आपने कर लिया है। अब जल्दी से बोलो, पुलिस की वर्दी शेर का दम, नाम है मेरा फायर लिटिल सिंगम। अब भाई सिंचन, सही में? जल्दी बोलो, सही में? चल ठीक है, बोल कर देखते हैं। पुलिस की वर्दी शेर का दम, नाम है मेरा फायर लिटिल सिंगम। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? मैं तो फायर एलिमेंटल का लिटिल सिंगम बन गया। गाइस, ये देखो मैं कितना ज्यादा चमक रहा हूँ। आप लोग यार सही में मेरे को बताओ यार, अब आप लोगों को कौन सा लिटिल सिंगम सबसे ज्यादा अच्छा लगा है? अभी एयर एलिमेंटल बचा है, पर अब तक का सबसे फेवरेट एलिमेंटल लिटिल सिंगम कौन सा अच्छा लगा है? अर्थ एलिमेंटल, फायर एलिमेंटल या वाटर एलिमेंटल? और ये हम लोग चले भाई गोल गोल घूम के, हमारे पंख भी चमक रहे हैं, फायर बॉल्स का भी अटैक कर सकते हैं हम लोग, बहुत बढ़िया। टाइम पास मत करो, फायर एलिमेंटल के बॉम्ब को डिफ्यूज करना है, जल्दी यहाँ से चलो। हाँ भाई सिंचन यार, जल्दी चलते हैं यहाँ से। गाइस यार, हम लोग आ गए भाई टेंपल के पास, अब चलते हैं भाई फाइनली फायर एलिमेंटल के बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए। देख भाई काल राक्षस, मेरे कितने ज्यादा गरम गरम पंख हैं, एक पंख लग गया ना जल जाएगा यहीं पे। बीस्टिफाई, तुम मेरे प्लान को कभी खराब नहीं कर सकते हो, चले जाओ यहाँ से। अरे भाई, अभी तक तो तू डांस कर रहा था, क्या हुआ, डर गया? तुम कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ भाई, वो तो मैं बताऊंगा तेरे को, जल्दी से मैं फायर एलिमेंटल के बॉम्ब को भी एब्जॉर्ब करता हूँ। ऑलराइट गाइस यार, हमने फायर एलिमेंटल के बॉम्ब को भी डिफ्यूज कर दिया है, कमाल की बात है यार। हम लोग धीरे धीरे काल राक्षस के पूरे प्लान को तबाह कर देंगे। मेरे पास अभी भी सबसे ज्यादा ताकतवर एयर एलिमेंटल का बॉम्ब है, तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, क्योंकि एयर एलिमेंटल का लिटिल सिंगम को आज तक किसी ने नहीं ढूंढा है, ना ही उसे कोई देख सकता है, तो तुम कैसे ढूंढोगे और देखोगे, और सबसे बड़ी बात, अपग्रेड भी कैसे होगे? अरे क्या, कोई बात नहीं, मेरे लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, मैं यहाँ से जल्दी से जाता हूँ। भाई सिंचन, तू मेरे साथ है ना? मैं तो आपके साथ हमेशा हूँ। तो भाई सिंचन, जल्दी चलते हैं यहाँ से। अरे भाई सिंचन, ये तूने मेरे को कहाँ पे गिरा दिया? अरे आप तो किसी स्पेसशिप पे गिर गए। भाई सिंचन यार, ये कोई और स्पेसशिप नहीं है, ये टोनी स्टार्क की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की स्पेसशिप है। उसके पास ये स्पेसशिप कब से आई? अरे भाई सिंचन, जब तू गया हुआ था भाई नैना को दीदी के पास। अरे वाह, लॉस एंजेलिस तो बहुत बदल गया है। हाँ भाई सिंचन यार, पर तू मेरे को यहाँ पे लाया क्यों, ये तो बता। और भाई, मेरी परछाई क्यों नहीं बन रही है, सिर्फ पंख की परछाई बन रही है? क्योंकि आप जादुई हो ना, इसलिए। अरे भाई सिंचन, कैसी बात कर रहा है? मेरा मतलब आप अभी एलिमेंटल के हो ना, इसलिए। भैया, एयर एलिमेंटल की आवाज है, वो यहीं पे ही है, मैं आपको इसलिए यहाँ पे लाया हूँ। हाँ भाई सिंचन यार, पर मेरे को दिख नहीं रहा है। गाइस, आप लोगों को दिख रहा है क्या? यार मेरे को क्यों नहीं दिख रहा? अरे इधर सामने देखो। अरे एक मिनट यार, ये क्या है भाई? कि तो भाई तीन तीन सर है। गाइस ये देखो, ड्रोन शॉट से मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस लिटिल सिंगम के तो भाई तीन तीन सर है यार, और कितना ज्यादा ताकतवर लग रहा है, ये तो एकदम ओरिजिनल लिटिल सिंगम लग रहा है यार मेरे को, बस तीन सर वाला। मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा हूँ, तुम मुझे अपग्रेड होने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि सभी एलिमेंटल लिटिल सिंगम में। मैं इससे बहुत खुश हुआ, अब तुम मुझ में भी अपग्रेड हो सकते हो। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, काफी टाइम के लिए तुम्हें हवा में रहना है, जिसके बाद तुम एयर एलिमेंटल में अपग्रेड हो जाओगे, ठीक है? अच्छा, ऐसी बात है,
चल ठीक है यार, मैं कोशिश करके देखता हूँ। ऑलराइट गाइस, यहाँ से हमें नीचे कूदना होगा, जैसा कि लिटिल सिंघम ने बताया, एयर लिटिल सिंघम ने, कि हमें हवा में रहना है तभी हम लोग अपग्रेड हो पाएंगे। तो यहाँ से जल्दी से कूदते हैं यार, और हम लोग भाई हवा में है गाइस, हम लोग कभी भी अपग्रेड हो सकते हैं यार। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो यार, और हम लोग भाई कभी भी अपग्रेड हो सकते हैं यार। बहुत ज्यादा भाई देर के लिए हम हवा में रुके हुए हैं। अरे भाई ये क्या हो रहा है यार, हम तो अपग्रेड हो रहे हैं। ओ भाई आप लोग देख सकते हो, हम लोग तो एयर एलिमेंटल में अपग्रेड हो गए, कमाल की बात है यार। और ये देखो गाइस, हम लोगों के पास यार कैसी पावर है, हमारे तीनों सरों से कितनी ज्यादा लेजर निकल रही है यार। ये तो भाई पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी वाली है, ऐसा लग रहा है बादलों के अंदर से निकल रही है ये इलेक्ट्रिसिटी। ओ भाई कमाल की बात है, यहाँ से जल्दी चलते हैं। हमें काल राक्षस की बैंड जो बजानी है, ये मैं आया काल राक्षस के बच्चे। गाइस हमारे सर कितने ज्यादा ताकतवर लग रहे हैं। ऑलराइट गाइस हम लोग आ गए हैं, बहुत बढ़िया। अब जल्दी से एयर एलिमेंटल के बॉम्ब को डिफ्यूज करते हैं, काल राक्षस को भी पता नहीं लगा है हम उसके पीछे, जल्दी से डिफ्यूज करो यार, कमाल की बात है। और भाई काल राक्षस ये देख, मैं कितना ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ एयर एलिमेंटल का। अरे ये कैसे हो सकता है, लिटिल सिंघम का एयर एलिमेंटल, वो भी तीन सर वाला, मुझे तो डर लग रहा है, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। जल्दी से बॉम्ब को एक्टिवेट करता हूँ। ये क्या, मेरा बॉम्ब भी नहीं है यहाँ पे। हाँ भाई काल राक्षस, और तू भी नहीं रुकेगा यहाँ पे, ये ले काल राक्षस का, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा तो ये ले एयर अटैक। हेलो काल राक्षस आ गया। गाइस लगता है काल राक्षस को हमने भून के रख दिया है यार, और आप लोग देख सकते हो हम लोग कितने ज्यादा खतरनाक लेवल में अपग्रेड हो गए हैं। गाइस यार आप लोगों ने देखा हमने काल राक्षस को कैसे रोका, सभी एलिमेंटल लिटिल सिंघम में अपग्रेड होके उनके एलिमेंटल बॉम्ब्स को डिफ्यूज करा, और हम लोग फाइनली अपग्रेड हो गए हैं एयर एलिमेंटल में, जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, जिसके तीन तीन सर है यार। और अब मैं इस मिसाइल के अंदर से लिटिल सिंघम को बाहर निकालूंगा थोड़ी देर में। तो गाइस यार अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप लोग और किस सुपर विलन को उसके एलिमेंटल्स में अपग्रेड होते हुए देखना चाहते हो। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।